पूर्वोत्तर भारत का सबसे प्रमुख महाछठ का पर्व उत्साह के साथ मनाया गया। उत्तर भारतीय परिवारों की महिलाओं ने 36 घंटे तक इसके लिए निर्वेला उपवास रखकर गुरुवार की शाम को डूबते सूरज को तथा शुक्रवार की सुबह को उगते सूरज को अर्घ्य देकर पूजा अर्चना की है। छठ मैया की पूजा के इस पर्व की शुरुआत 4 दिनों पूर्व नहाय खाय से ही हो जाती है। दूसरे दिन खरना होता है व शाम को खीर प्रसादी ग्रहण के बाद 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू होता है। गुरुवार की शाम को इस पर्व का महा आयोजन क्षेत्र में स्थित तालाब पर हुआ, जहां बड़ी संख्या में पूर्वोत्तर भारत के परिवार के सदस्यों ने डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा अर्चना की। परिवार की महिलाओं ने पानी में खड़े होकर छठ मैया की आराधना की तथा गन्ने की झोपड़ी बनाकर पूजा अर्चना की। बेटमा क्षेत्र में सबसे अधिक पूर्वोत्तर भारतीय परिवारों की संख्या काली बिल्लोद ग्राम पंचायत के अंतर्गत लाइफ सिटी, जीवन ज्योति कॉलोनी, प्रभातम भोजपुरी कॉलोनी सहित सागर कुटी क्षेत्र में है। कुछ परिवार बेटमा में भी रहते हैं, वहीं अन्य क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों ने कृत्रिम कुंड बनाकर छठ मैया की पूजा अर्चना की। इस पर्व के पूर्व तालाब किनारे मिट्टी के टीले बनाए गए थे। शुक्रवार की सुबह फलों और पकवानों से टोकरी सजाकर इन परिवारों की महिलाओं ने उगते सूरज को अर्घ देकर अपना उपवास खोला व छठ मैया से सुख समृद्धि की कामना की। बैटमा इंदौर से राजन सूर्यवंशी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।